शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
एक्सक्यूज मी, या ये फर्स्ट ईयर के एडमिशन की लाइन है? यस अंकल, आप अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आए हो? देखो जितना सवाल पूछा उतना जवाब दो, यस और नो? यस। थैंक यू। गुंडा बॉयस, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। ए चिकने, ये क्या है? चिकने, डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। आप ऐ शाणे, ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। अपने कॉलेज का डीन है ना, हरामी। हरामी है डीन? हरामी, हरिचंद्र रामचंद्र मिरचंदानी, हरामी। उसको एक खास जगह पे कैंसर हुआ है। कौन सी जगह पे? अबे जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, कैंसर हुआ है। उसके लिए हम लोग सबसे 100-100 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, चल डाल। एक्चुअली दादागिरी है ये, बट डालना चलना। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये गलत है। ए तेरी जेब से लिया क्या उसने? चल अंकल तू भी डाल, चल। ए देखिए आप इनके मुंह मत लगिए, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हाँ मैं नहीं दूंगा, बड़ी मेहनत करके खेती बाड़ी करके मैंने ये पैसे कमाए हैं अपनी बहन की पढ़ाई के लिए, मैं क्यों दूं? चल रे, इसको साइड में लेके खर्चा पानी दे। चल अंकल को मत मारिए, क्या कर रहे हैं आप? चल देखिए मेरी खून पसीने की कमाई है, मैं नहीं दूंगा। कमाई सीने से लगा के रखेगा तो साले गीली हो जाएगी, पसीने की जगह तेरा खून निकालूंगा। पैसे निकाल। बिल्डर साहब, हेलो, ये लीजिए इनके पैसे, मैं देता हूँ, 200 रुपए हैं। डाल डब्बे में, डाल डब्बे में, डाल डब्बे में, डालो डालो डालो। क्या एक्टिंग करते यार तुम, है ना? कमाल है, पैसे ले इधर। थैंक यू। क्या हुआ? अंकल बोलता है, अंकल बोलता है। मैंने नहीं किया, नहीं किया था। ए तू क्या हंस रहा है बे? ज़बान तो चलती नहीं, हाथ बहुत चलते हैं तेरे। मैंने नहीं, इसने बोला था। ए, मैंने क्या कहा? मैंने कब कहा? मैंने तो वही किया जैसा प्लान था यार, मैंने कुछ नहीं कहा यार। खामखा कुछ भी बोलता है यार तू। ए चटदार मेरी यार, दारू के लिए पैसे देना यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसी में मुझसे ये सब करवाते हो, कभी केमिस्ट्री लैब का सामान चोरी करवाते हो, कभी असेंबली हॉल के वो पंखे उतरवाते हो। उस दिन मुझे कॉलेज का प्रोफेसर बनाकर उस लड़की का नंबर लेने को कहा, बाद में वही लड़की कॉलेज की प्रोफेसर निकली, आज तक उसकी क्लास में बैठा नहीं हूं मैं, हंसो मत। और उस दिन भिखारी बनाकर कॉलेज के गेट के बाहर बिठा दिया, बोले दारू के पैसे नहीं है, तुम्हारी वजह से पूरी कॉलेज में बदनाम हो गया हूं मैं, हंसो मत। मैंने कहा तू अपना जिगरी है यार, दोस्ती में चलता है यार ये सब। अभी हम लोग तेरी जगह पे होते तो हम लोग भी यही करते हैं ना? हां के यही करते, और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा तो कोई ठिकाना है नहीं, रूम भी मेरा ही इस्तेमाल करते हो, वो तो कॉलेज के डीन हरिचंद्र रामचंद्र मिरचंदानी का मैं होनहार स्टूडेंट हूँ, इसीलिए वो मेरी इज्जत करते हैं, वरना तुम्हारा पता नहीं कभी कॉलेज गए भी थे या नहीं। गए थे कॉलेज? याद नहीं। फिर से काम निकाल रही है, वसूली के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत बोल यार, काफी उधार बाकी है, तुलसी और पार्वती का रो रो के मैंने गाड़ी उधार पे लिया, मालूम है क्या? तू तो, तेरे को तो मालूम है ना कौन है वो। एक काम करते, ये सारे रुपए ले जाकर के वसूली को दे देते, बाकी के बाद में दे देंगे, सिंपल। जोक मार रहा है। इतने दिनों बाद पैसे नजर आए, बोलता है वसूली को दे देते। कुछ भी बोल रहा है। वसूली को पैसा देंगे तो खाएंगे क्या? अबे शराब कैसे पिएंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो कैसे देंगे? जीना छोड़ दें। ए, चार कटिंग बना और मेरे लिए एक नान खटाई। पैसा हरे कलर का होता है, उसके ऊपर गांधी जी की फोटो होती है। चल चाय बना। चल चल पैसा दे पैसा। आज तक दिया कभी? नहीं। फिर क्यों मांग रहे अबे? उधार बंद है। तेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया? नहीं। मुंसिपाली का नंबर क्या है? बनाता हूँ। इलायची और अदरक डालना। ललिता,
शर्म कर यार, क्या उम्र है तेरी और तू ललिता पवार को देख रहा है? अबे नीचे नहीं ऊपर देख। ओए ललिता बेबी ओ, बुरी नजर से मत देखो, तुम्हारी भाभी है। कब बनी? तुम लोग रुको मैं बना के आता हूँ। ओए मुझे भी भाभी बनाना। जाने दे उनको, मौत के कुएं में जा रहे हैं। वो देख वसूली। अरे तूने भाई को बताया नहीं? या कि भाई संजय दत्त लगता है यार, वही बॉडी, वही फेस कट, वास्तव का टीका। वसूली भाई मैंने राजू रानी से बात किया, अगली पिक्चर में आपको लॉन्च करूं। लेकिन मेरे वो पैसे, करोड़ों की बात करो, आप छुट्टा जमा कर रहे हो, कैसी बातें करते हो यार, बड़ा चीप लगता है यार। वही पर्सनैलिटी आपकी, थोड़ी सी उसकी डायलॉग डिलीवरी अगर आप सीख जाए तो मजा आ जाएगा। डायलॉग जैसे ये सर्किट मेरे को जादू की झप्पी दे दो। हे सर्किट अपन को भी वो जादू की झप्पी देना। माय ब्लोइंग भाई 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 वो था ना वॉकिंग की स्टाइल वाइल बॉडी वाली तो आपकी फर्स्ट क्लास है। मुझे कहो मैं बताऊं चल हट हट हट। ये नहीं हीरो बन के स्टाइल में खड़े रहने का। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। गौर से देखना। अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? अरे चूना लगा रहा है, पकड़ साले को। माँ मुझे माफ कर देना, मेरा भी बात यार। आंटी मुझे भी माफ कर देना, ये मेरा। आ ए ओ माँ इसे उठा लेना। ए सॉरी माँ इसे भी माफ कर देना। मेरा और एक सालो, मेरे को अकेला छोड़ के आगे तुम लोग तो आ गया ना, मेरे लिए भी बात। कौन जीत रहे हैं? मेरा। वसूली ने कमरा देख लिया। वसूली ने कमरा देख लिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अकेले हो? हाँ सर बिल्कुल अकेला। पार्टी पार्टी हो गई? मैं तो पढ़ाई कर रहा था सर, पार्टी नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर स्पेशलिस्ट जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट मुझे बताओ, मुझे कौन सी खास जगह पर कैंसर हुआ है? सर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कैसे बता सकता? शट अप! तुम्हें लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। गरीब हो चुका हूँ मैं। हंस रहे हो नालायक, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों की फीस छीन ली तुम लोगों ने है? सुबह से 500 SMS आ चुके हैं मुझे, जब से उन लोगों को पता चला है मुझे कैंसर हुआ है। 500 SMS आ चुके हैं। सर ये तो खुशी की बात है ना, कितने चाहने वाले आपके। Shut up! Shut up! वो मुझे SMS इसलिए कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं उनका कर्जा चुकता करूं। ये सब तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम्हीं लोगों ने किया है। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर 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 आप तो जानते मेरी माँ ने कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरे लिए। सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छा, प्लीज सर। तुम्हारी माँ ने ऐसे ख्वाब देखे हैं? क्या ये सर ह्यूमन रिसर्च? ह्यूमन रिसर्च का सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए मैं इन सब चीजों पे थीसिस कर रहा हूं सर। ये ह्यूमन रिसर्च है सर? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस लिख रहे हो तुम? ये अश्लील फोटो? नहीं 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 सर, वो दीवारों पर लिखा जाए इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ, इसमें और कुछ नहीं है सर।
दूसरा कुछ चिपका दे बेटा। सर और कुछ मिला नहीं सर वो। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। नहीं चोर सर, पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ ही है। सर यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो। ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो? हैं? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? दस साल। दस दस साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो। सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना। छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे। पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी सर, ये देखो ऐसा एसी लाया हूँ कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूँ मैं। आप सर सर ये बोल रहा है ए, हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे आया और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ 10 साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट, गेट आउट। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। गेट आउट। द्वारा नहीं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। और इन तीन लफंगों को अंदर नहीं आने देना। दरवाजा बंद करके रखो। एब्सोल्युटली, ये लफंगे अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं सर। गेट आउट। थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। देखो तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। किसी दिन ये डीन मुझे यहाँ से बाहर फेंक देगा, मेरी तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, तुम लोग को भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। अब आन। ओए। अरे यार ये तो सर का पाउच है, ला मैं जाकर वापस दे। ए, दानवीर कन की ज़ेरॉक्स इधर ला। कसम से यार, कंडोम्स चुंगे में क्या है? जा। वो क्या है? एग्जाम का पेपर। ला मुझे दे दे, मैं पास हो जाऊंगा यार, दे दे मुझे। ये पास कैसे होगा, ये तो एग्जाम दे ही नहीं रहा। क्यों? इसको तो कल पेपर बेचने हैं। करेक्ट, क्यों हमसे तो कोई खरीदेगा नहीं। क्यों? और ये शरीफ है। ए, देखो मैं पेपर्स नहीं बेचने वाला हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। यार माँ की बड़ी तमन्ना है यार। सॉरी आंटी। सॉरी आंटी। या फिर काले मैदान, I'm a कयामत baby, I'm a कमान। बचके रे बचके रे, बचके रे बचके रे, दिल चोरी हो ना जाए रखना ख्याल। बोल मालो, 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 बोल मालो। ये दुनिया
दूरी तो हम क्या करें, उसी की सिखाई उसी को सिखाए, थोड़ा सा कर ले धमाल। बोल मारो 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 बोल मारो। काल में काला या फिर काले में दाल, हम है कयामत बेबे हम है कमाल। गोल मारो 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 गोल मारो। और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाया, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा एक-एक को। Get out, I said, get out! अरे एक तो मेरा पटवा चुराया, ऊपर से पेपर लिख किया, स्टूडेंट्स लोगों को 500-500 रुपया में बेचा, ये कह के कि 400 रुपया मेरा कट है, है? अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशरम नालायक हलकट, मुझे गालियां भी नहीं आती। और ऊपर से कौन सी स्कीमें लेके आए थे मेरे पास, है? सर ये लाइटर खरीदिए फ्लैट फ्री, सर ये टेलीफोन खरीदिए रेफ्रिजरेटर फ्री, सर ये एसी लगवाइए इलेक्ट्रिसिटी फ्री। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ? बेवकूफ समझ के रखा है मुझे? अरे बेवकूफ भी छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। मैं क्या मुझे क्या वो समझ के रखा है? चुप चुप नालायक, गेट आउट गेट आउट। अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो, शनि भी 7.5 साल तक सर पे रहता है, तुम लोग तो 10-10 साल से सर पे हो मेरे, मुझे पागल कर दिया है, पागल हो गया हूँ मैं। अरे तुम लोगों की वजह से एसिडिटी हो चुकी है मुझे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रोजी मैडम से कहा ना तुमने, मैं टकला हो गया हूँ, हाँ मैं टकला हो गया हूँ, मैं टकला हो गया हूँ। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? मैं टकला हो गया हूँ, टकला हो गया सर। कहता एक नया स्कीम आया है, चड्डी पे गड्डी फ्री, इस पे नहीं नाराज क्यों होते हो सर? तमीज से बोलो ना, चले जाएंगे। गेट आउट प्लीज, गेट आउट। बर्बाद हो गया मैं तुम लोगों की वजह से, क्या बताऊंगा मैं अपनी माँ को? बेचारी कलेक्टर के यहाँ नौकरी करती थी, उसका सपना था कि मैं भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाऊं। कलेक्टर बनने के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, तू तो वैसे भी हमारा कलेक्टर है, हमारा पैसा तो तू ही कलेक्ट करता है। मैं और बर्बाद नहीं होना चाहता, गांव चला जाऊंगा, कम से कम वहां सर छुपाने के लिए अपना घर तो है। हाँ घर होना बहुत बड़ी बात है यार, इन ऐसा घर भी किस काम का जहाँ माँ बाप एक दूसरे की जान लेने पर तुले हों, ऐसे घर से तो बेघर होना ही अच्छा है। हाँ हॉस्टल अच्छा है, कम से कम मल्लिका शिरावत के पास में नींद तो अच्छी आती है। मेरी नींद तो बचपन में ही चली गई, मेरे बाप की 2 बीवियां थी, एक मेरी माँ और दूसरी पड़ोस वाले की। हाँ सौतेली उनके बच्चे मेरे गूंगेपन का मजाक उड़ाते थे। तेरा तो फिर भी घर था अपना, ना तो घर ना घर वाले, आंख खुली तो जमुना दास अनाथालय में। पहले सोचता था कि जमुना दास ही अपना बाप है, फिर धीरे धीरे पता चला कि जमुना दास तो बचपन में ही मर गया था, उसके बाप ने उसकी याद में ही अनाथालय बनाया था। तो भेज देने भी अनाथालय में, वहां भी नहीं लेंगे तुम लोगों को, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूं। जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। ई और ना ओ आई ई 10:30 बज रहे, ई आ ई और ना ई और ना ओ आई आई वहां। गोपाल तेरे से बात कर रहा है। आए ए इयो इयो क्या सुनामी? अपन 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 यही तो है। अरे यार शर्त लगानी चाहिए थी, एक वापस आ गया टाइमिंग होगी। अच्छा वसूली आ रहा है, अरे भागो यहां से।
पकड़ो उस सालों को। इसका मतलब ये नहीं कि रुकते रहे यार। यार रुक रुक के चलती है कैसी बाइक है? देखता हूँ जल्दी। वसूली वसूली। पुद्माने। ओए ये केन चलना पड़ेगा। अबे दरवाजे खुलते भी हैं बे। कौन है? मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि इसने हम लोगों को देखा। देखा कि नहीं देखा यार? उसने जो देखा किसी ने नहीं देखा। क्या देखा? उसने देखा कि हम चार हैं और पूरा अकेला है। अंदर जाके पुलिस को फोन करेगा। तो फिर चलो भागो। हाँ वैसे भी हम लोग बंगला थोड़ी खरीदने हैं। समीर आएगा तो दिन के उजाले में आएगा, वैसे रात के अंधेरे में चोरों चकों की तरह थोड़ी आएगा। पता नहीं आएगा भी कि नहीं। आएगा आएगा, अमेरिका नजदीक थोड़ी है, पता है प्लेन में भी 22 घंटे लगते हैं। यहाँ तो 22 साल हो गए, बचपन में देखा था उसे। मुझे पता है, और तुम तो उसी के इंतजार में जी रही हो, है ना? क्यों नहीं, हमारा इकलौता पोता जो है, और वैसे देखो तो वो ही हमारा वारिस है। सच देखो, वो जब आए तब आए, लेकिन उसके आने तक हमको एक दूसरे का सहारा बन के जीना पड़ेगा, है ना? एक बात बता, वो आएगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? हाँ तुम चिंता मत करो, मुझे भरोसा है। हाँ हमें अपने आप महसूस हो जाएगा। चलो रात हो गई, सो जाते हैं। हाँ, लाइट तो बंद कीजिए। क्या फर्क पड़ता है उजाला हो या अंधेरा, हमारे नसीब में तो 24 घंटे रात ही रात है। हो तो फिर टॉर्च लेके क्यों गए थे बाहर? हाँ, ताकि चोर उचक्कों को पता ना चले कि ये बंगले में दो अंधे रहते हैं। ये बुड्ढी ने इड़ा बनाया यार, दोनों तो अंधे। पहरे थोड़ी है। कलंगूर लास्ट बस स्टॉप। लास्ट बस स्टॉप चप्पल लेन लास्ट बंगलो। लास्ट बंगलो, बंगलो का नाम शांति निकेतन। अबे नारी निकेतन है। शांति निकेतन तो बोला, शांति निकेतन कौन सा माला? ए, कौन आला रे? कौन आला? अरे पूछ रहे कौन सा माला। अरे तेरे ऊपर का माला खाली है क्या? बंगलो बोल रहा हूँ, बंगलो। आला पूछ रहा, दो लोग रहते हैं वहाँ, एक बुड्ढा और बुढ़िया, दोनों अंधे। अंधे काम हो जाएगा। अरे गोपाल कहाँ गया?
एक आइडिया है। अगर मैं समीर बन के घर में घुस जाऊं तो अभी कहीं पता चल गया तो उन्हें थोड़ी दिखता है, थोबड़ा कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं ऐसा करना पाप है। अरे सोचो यार, इतना बड़ा बंगला है, लाइफ बन जाएगी हम सब लोगों की, खाने पीने की ऐश, बस तुम दोनों को लकी बन के रहना पड़ेगा। मतलब? मतलब तुम दोनों को लकी की तरह गुंगा बन के रहना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा, बोलूंगा सिर्फ मैं। थैंक यू। इन दोनों की बक बक सुन के मेरा सर फट रहा है। ए, ए, देखो मुझसे ये नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहे हो? मैं कौन? तू दादा? तू कौन? तो मैं समीर। समीर कौन? समीर समीर आपका पोता। समीर मेरा पोता, तू आ गया अमेरिका से। तो अभी तक तू बोला क्यों नहीं? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। कैसे आया? उड़के? उड़कर आया? प्लेन में, प्लेन में। अचानक आ गया? बताना चाहिए था ना, आ रहा है। खत लिखता, किसी को बोलता, फोन करता। स्वदेश देखी ना, इसलिए आ गया। स्वदेश? विदेश में स्वदेश? ओ, अब आप अपनी मिलिट्री गिरी छोड़ दीजिए। मेरा पोता इतने सालों के बाद आया है, उसे सांस तो लेने दीजिए। आजा, आजा बेटा, आजा। आजा, आजा। कितने सालों के बाद आया, बैठ, बैठ, बैठ। आराम कर, उड़कर आया है, थक गया होगा, बैठ, 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 बैठ। अरे कहाँ जा रहे हैं? बैठ, बैठ। तेरा सामान कहाँ है? लाया हूँ ना, तीन तीन सूटकेस हैं। अंदर रख देना, यहाँ चोर लुटेरे बहुत घूमते हैं। कौन से फ्लाइट से आया? वो अमेरिका से। न्यूयॉर्क टू गोवा। गोवा डायरेक्ट हो गया? तो शिकागो में रहता है ना? वो शिफ्ट हो गया ना? शिफ्ट हो गया। न्यूयॉर्क में कहाँ रहता है? वो अपना न्यूयॉर्क है ना? वो तो है, कहाँ रहता? पूरे न्यूयॉर्क में कहाँ रहता है? झांसी की रानी। झांसी की रानी? मशाल भाला साहब के घर के पास नहीं रहता। पुतला? पुतला? बाटे, बाटे, बाटे का पुतला, लिबर्टी का पुतला, लिबर्टी के स्टैचू के सामने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन पुतला तो दरिया में है। कब से? हमेशा से। कि वो भी शिफ्ट हो गया? वो मैं मजाक कर रहा था, घर की खिड़की खोलो तो सामने पुतला। अच्छा उसके सामने घर क्या? तेरे माँ बाप आते तो कितना अच्छा होता। क्या हुआ? क्या हुआ? दादाजी बिल्ली थी। बिल्ली थी कि बैल था? बिल्ली चाइनीज है? ओ वाई वाई। तू चुप, ऐसे बात करेगा अपने दादाजी से? कहाँ के संस्कार तेरे? क्या दादा बिल्ली पे जोक भी नहीं मार सकता? परदेश से ये सीख कर आया तू? अबे तू रुक रुक। कौन गया? गया कौन? दादाजी रुक नहीं, भूख भूख। भूख तो लगेगी ही, इतनी दूर से आया है। तू रुक बेटा, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। चार थाली। चार थाली क्यों? वो तीन तीन सूटकेस उठा के लाया हूँ ना, इसलिए भूख लगी है। तीन सूटकेस, चार थाली, बराबर। नहीं 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 नहीं, चार नहीं, आज एक ही थाली में तेरे दादाजी, तू और मैं साथ खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी ला। तेरी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? वो दादाजी, वो पेट खाली है ना, इसलिए आवाज गूंज रही है। गूंज रही। देवा, तूने अपना पोस्टल एड्रेस नहीं बताया बेटे मुझे। सुनते हो?
हाँ घी का डब्बा नीचे उतार दो। हाँ जाइए डब्बा निकालिए। पोता है तो देसी घी निकलेगा वरना हमको नो ऑयल नो घी सूखी रोटी। बुया! अबे तू कहीं नहीं जा सकता, तू तो मेरा आधा शरीर है। क्या मतलब आधा शरीर है? मतलब बूढ़ा बूढ़ी के लिए समीर बॉडी से तू है और आवाज से मैं। हाँ और ये अंधे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, एक बार किसी को टच कर लिया ना वो टच कभी भूलते नहीं है। और आवाज भी, अब तो ऐसे ही चलेगा। ये मैं नहीं कर सकता। करना ही पड़ेगा लक्ष्मण, अब ऐसा ही होगा। हे भगवान कैसी जिंदगी दी है तूने, अब मेरा क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, ऐसी जिंदगी तू कब से जी रहा है, मेरे इशारे पे बोलता है। ए चुप करो ए, और गोपाल तेरा ये प्लान फ्लॉप होने वाला है। मुझे तो यकीन है कि ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी अंधे नहीं है, वो बूढ़ा मुझे यूं देख रहा था पता है, आंखें फाड़ फाड़ के। अबे अंधे लोग ऐसे ही देखते हैं। अरे नहीं वो बूढ़ी ने तो मुझे आंख भी मारी। उसने तुझे आंख मारी? हाँ। मतलब वो 100% अंधी है? अरे नहीं है। तो देख चुप कर नहीं तो बेहोश करके अंदर लेके जाऊंगा, बोल रहा हूँ। देख मैं खाना तैयार है। ए, आवाज मेरी। शरीर किसका? मेरा। बॉस, बॉस, बॉस। क्या बे? सत्तू आया है सत्तू। समंदर में टट्टू? सत्तू सुपारी। आंडे वने? हाँ। तू बे? हे सुपारी, my born killer. How do you come, man? हाँ? क्या कम कम? कम होते होते बचाओ मैं। मालूम है? What? पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। दो अंधे, चार बॉडीगार्ड कौन बताएगा? चार बॉडीगार्ड कहाँ से आए? फिर नारे लाए से एम लेके मारते हैं कि ओलंपिक में जाए तो इंडिया का नाम रोशन कर दे। हाँ? इंडिया का नाम रोशन कर दे। अबे चिल्लाता क्या रोशन क्यों ला? क्या सोचता है मैं बहरा हूँ? शट अप। आगे आगे क्या सोचा है? क्या सोचा है? खोपड़ी का एक्शन निकाल लूंगा और पेन किलर ले लूंगा। पेन किलर ले लूंगा जब बस वही कर, मैं कोई दूसरा प्रोफेशनल हायर कर लूंगा। गो। सत्तू सुपारी को और एक मौका दो प्लीज, अब की बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। जाएगा? हाँ। तो जा। अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसा है? ना। तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते? मेरा दर्द तुम लोग नहीं समझ सकते, मैं चला। वो राइट साइड है, वहां पे थोड़ा ज्यादा डीप है। अबे रोकना यार अपनी ट्रॉली, बात तो सुन मेरी। नहीं मैं किसी की नहीं सुनने वाला, एक तो मुझे यहाँ फंसा दिया, ऊपर से खाना भी नहीं खाने देते, आज तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देकर ही रहूंगा। ए लक्ष्मी, मेरे लक्ष्मण क्या कर रहा है यार, तू मर गया तो निरूपा रॉय का क्या होगा? निरूपा रॉय? अबे तेरी माँ को मैं निरूपा रॉय बोलूंगा ना, ऐश्वर्या राय तो नहीं बोलूंगा। अबे दो माले की बिल्डिंग है, गलती से भर गया तो रिपेयरिंग का खर्चा कितना आएगा मालूम? वैसे भी कड़की चल रही है। तू चुप बैठ, तेरी वजह से मैं भूखा मर रहा हूँ और भूखे मरने से अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। हे सुन 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 सुन, तू कितना तक गिनने वाला है? 3, 2। ये शोले वाली सुसाइड नहीं है, सचमुच मरने वाला है। अंधेरा हो जाए तो साइड में जाके सुसु नहीं कर सकता, सुसाइड क्या करेगा? कोने 3। ए ए ए, तू मर गया तो मेरा क्या होगा? मेरी तो बोलती बंद हो जाएगी और मेरी खामोशी तो म्यूजिकल की डबिंग कौन करेगा यार? तो चल तू भी चल, खामोश रहने से अच्छा है कि हमेशा के लिए खामोश हो जाए। मैं तो चला। ए लकी, तेरे पास टाइम है ना, एक काम कर मेरे लिए एक और भेल ले क्या? कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए, वड़ा पाव तीखा कम। अभी तू तो मरने वाला था। हाँ तो खा के मरूंगा, खाली पेट थोड़ी ना मरूंगा। एसिडिटी हो जाएगी ना। अप्पा हाँ तू मर गया तो तेरी घड़ी मुझे दे देना। अबे तू अब अगर नहीं कूदा ना तो मैं ही तुझे धक्का दे दूंगा। क्या चलता ना यार, तू चैन से मरने भी नहीं देता। मरने के बाद चैन से रहना, हर बार तेरी दादाजी नहीं मरता। जा मर गया बिना कूदे। ये तो वो सीढ़ी वाली लड़की है यार। क्या इसकी सीढ़ी भी निकली है? अरे नहीं यार, उस दिन सीढ़ी पे देखा था ना हम लोग ने। ए वो देख और भी मुर्दे खड़े लाइन में। चीपस्टर्स। ची बेशरम साले, शरम नहीं आती लड़की को कपड़े बदलते देखते हुए? आई नो यार, डिसेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं आजकल। हां यार दूसरों के घरों में झांकते हैं लोग। बिल्कुल। यो आर नॉट ऑट माया। ओ क्या करें हम लोग, देख रहे हैं। ओ ए ओ ओ कदा साले, गोपाल को ना दारू खरीदने में और बनाने में फर्क ही नहीं मालूम।
फटे तक दारू पीऊंगा आज मैं। ओ प्राक, ओ माय सेंटीमेंट्स एग्जैक्ट बॉस। तू क्या देवदास की तरह मुंह लटका के बैठा है यार? तो क्या करूं, तुम लोग मुझे खाने भी नहीं देते हो, पीने भी नहीं देते हो, मरने भी नहीं करना देते है यार। ये देखा, रोने भी नहीं देते हो। समीर, समीर, खाना कम तो नहीं पड़ा ना बेटा? ठीक से खाया बेटा? कम तो नहीं पड़ा ना? कुछ बोलता क्यों नहीं है? लगता है नींद आ रही है। हमारी नींद तो कब की उड़ चुकी है बेटे, कब की है? बोल ना। अरे नाराज क्यों है? लगता है दादी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा। क्या करें, जब से उसकी आंखें चली गई है ना, नमक की जगह शक्कर डाल देती है और शक्कर की जगह नमक। कभी कभार तो मैं भी नमक वाली चाय पी लेता हूँ। अरे बोलता क्यों नहीं है? बोल। लगता है अपने बाप पर गया। उसको भी मैं जब तक 10-15 चपट नहीं मारता था वो भी बोलता नहीं था। बोल 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 बोल। तेरे बाप को भी मैंने बचपन में बहुत मारा था। बोल बोल। लगता है दादाजी के हाथ की मार बड़ी। बोल बोल। दादाजी मुंह में पान था, थूकने की जगह ढूंढ रहा था। अच्छा, किसी अच्छी जगह पे ही थूका होगा तूने। तो अमेरिका में तू पान भी खाता है बेटे? मिलता है वहाँ? अरे अमेरिका को क्या समझा दादाजी आपने? नुक्कड़ नुक्कड़ क्या बातें हो रही है दादा पोते में? कुछ नहीं, पूछ रहा था कि अमेरिका में सब कैसे हैं और कैसा है अमेरिका। अमेरिका में सब ठीक है। अच्छा, और वो दोनों? कौन दोनों? जिनके साथ तू रहता है। पेरेंट्स? तेरे माँ बाप। वो लोग? वो लोग ठीक है, मजे में। आप लोगों को बहुत याद करते हैं। याद करते हैं तो फिर आए क्यों नहीं? अरे आ जाते तो तुम याद कैसे करती? सुजाता क्या कहती है मेरे बारे में? कौन सुजाता? नालायक, अपनी माँ का नाम भूल गया। कौन सुजाता? बेवकूफ, तेरी माँ, मदर, मॉम। अरे दादाजी वो ठीक है, वो क्या है कि बचपन से उसको माँ बुला रहा हूँ तो नाम याद नहीं रहता। आप लोगों को बहुत याद करती है, मैं सो जाऊँ क्या? वो इतनी दूर से आया हूँ तो जेट लैग। थक गया है। दादी चादरें? हाँ, सब व्यवस्थित है कबाड़ में। चार चादर? चार क्यों बेटा? चार क्यों? वो अमेरिका में सर्दी बहुत है ना, तो बचपन से ही चार चादर लेने की आदत है। जा पड़ी है सब कबाड़ में, गर्मी ठंडी सब में काम आएगी। जा बेटा जा, सो जा। गुड नाइट दादाजी। घर के संस्कार भूल गया? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दादाजी। जय श्री कृष्ण। माँ का नाम भूल जाता है, गुड नाइट याद रहने दीजिए। चार चादर क्यों चाहिए? अरे कुछ होगा ना, आपको क्या है? अरे यहाँ तो तीन ही चादर है यार। तीन नहीं तो? यार लेकिन हम लोग चार लोग हैं। माइंड ब्लोइंग। दो नहीं यार, एक। थैंक्स यार। लेकिन यार मुझे भी चादर चाहिए, मुझे नींद नहीं आती। अबे सोने के लिए चादर की नहीं, नींद की जरूरत है, सो जा। क्या हुआ? पागल हो गया क्या? मंगल पांडे देख रहा था, कोई फांसी लगा रहा था तेरे को। मैं सपना देख रहा था, मैंने देखा कि बूढ़ा बूढ़ी और तुम लोग सब साथ में ना मुझे मारना चाहते हो यार। मिले हुए तो नहीं है लेकिन मारना जरूर चाहते हैं तेरे को। समीर, समीर, ये आधी रात को किस बात की आजादी मांग रहे हो? वो 26 जनवरी आ रही है ना, रिहर्सल कर रहा था। 26 जनवरी वो तो गई कुछ दिन पहले ही। तो 15 अगस्त तो आएगी ना? 15 अगस्त बराबर, 15 अगस्त। एक बात बता, तू समीर ही है ना? नहीं, मैं अजय देवगन हूं। क्यों? अरे दादाजी मैं समीर हूं, आपका समीर। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि तू जब से आया है अमेरिका से, तूने संदूक के बारे में पूछा नहीं है। संदूक? संदूक? हाँ दादाजी, वो कहाँ है संदूक, मैं तो भूल ही गया। वो है, उसे जहाँ होना चाहिए वहीं है वो।
तू सो जा, तू सो जा। ये क्या है? अब नहीं, गद्दा है दादाजी, गद्दा है। गद्दा है? धूल निकल रही है। हाँ, उसको धूप में सुखा दे। गद्दे को सुखा दो। जय श्री कृष्ण दादाजी। गुड नाइट, स्लीप टाइट। संदूक नहीं, बंदूक होती ना तो मैं उसके गोली मार देता। सो जा, सो जा। बहुत लगी, कहाँ लगी बता, बता। क्या हुआ? अपनी सीटी क्यों मारी? सीटी? 40 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद भगवान पति पत्नी को सिर्फ गोली मार सकता है, सीटी नहीं। कौन है? क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, चाइनीज बिल्ली। चाइनीज बिल्ली, चाइनीज बिल्ली। अबे जाना। क्या बिल्ली दादाजी? बिल्ली पूरा दूध पी जाएगी। मैं देख रहा हूं बेटा, तू बड़ों का आशीर्वाद लेना भी भूल गया है। आ, मेरे पैर छुपा। वो दादाजी, वो दादाजी क्या होता है? आ, आ जा, आशीर्वाद ले। अरे वो दादाजी, वो क्या होता है? चल आशीर्वाद ले। आ जा आशीर्वाद ले। आ जा, आ जा, आ जा आशीर्वाद ले। खड़े रहे, ऐसे बात करेगा अपने दादा से? खड़े रहे बोलेगा, बदतमीज। वो अब ईश्वर से बात कर रहा था दादाजी, पूजा कर रहा था ना। पूजा कर रहा था कि अपने दादा को डांट रहा था तू? चल आजा, 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 चल आशीर्वाद ले ले, आजा। क्या हुआ? चाइनीज बिल्ली दादाजी। यहाँ अटका हुआ है, तेरे को मालूम है वहां लटका हुआ है? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? माइंड ब्लोइंग यार। आओ, अबे तुम लोगों को भेजा था इसको लाने के लिए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ड्रीम देख रहे हैं यार? कहाँ? वहाँ सामने। हे, हमको अच्छा चांस मिला, लड़की को बचाते और फिर इंप्रेस करते। हाँ, तेरा आइडिया एकदम सुपर हिट है बॉस। चलो चलो। बीबी, सलमान खान इज कमिंग। जैकी चैनल। वेट वेट। मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ, तुम लोग के चक्कर में पीटी उषा बन जाऊंगा मैं। आए ओ, भागने की क्या जरूरत है? ओ ई आ, टोपी को बुलाते हैं। ए ई ओ, ए पुलिस को बुलाते हैं। सेंस, पहले हीरो आते हैं, बाद में पुलिस आती है। घंटी बजा, घंटी, घंटी किधर है? घंटी। अबे मंदिर आया क्या? ओया, पीछे से, पीछे से। रे पॉप कंसल, तेरा हीरो आ गया है। हीरो? हीरो तो हिंदी फिल्म में सीधा कास्ट तोड़ के एंट्री करता है। ओ ओ, मस्त आइडिया यार। कटेगा कौन? मैं। गुस्से से देख रही हो या शक्ल ही ऐसी है? इज्जत बचाने का थैंक यू तो बोलो। शट अप। तुम लोग की
हिम्मत कैसे अंदर आने की? हाँ, पूरे रिहर्सल का सत्यानाश करके रख दिया तुम लोगों ने। सॉरी, मतलब ये लोग आपका रेप नहीं कर रहे थे? ओ गॉड, नहीं, ये हमारे नाटक का थीम है। मैंने क्या किया? शर्म नहीं आती? ऐसी अफवाह फैलाते हो, ऐसी खूबसूरत, ऐसे मालदार खानदानी लड़की के बारे में शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पे। सॉरी मैडम, मैं माफी मांगता हूं। आप कंटिन्यू प्लीज भाई साहब, रेप कंटिन्यू कीजिए, प्लीज 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 जारी रखिए भाई साहब, प्लीज जाइए, आपकी बहन जी बुला रही है, जाइए। अच्छा यार, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ, टेरेस पे घूम रहा था, अपने बर्तन सुखा रहा, सॉरी कपड़े सुखा रहा था मैं। ये नहीं, ये आया मेरे को बोला वहां पे एक लड़की है, चार पांच लड़के और लगे हुए हैं, मैं भी सोचा कोई म्यूजिक बजा के थोड़ी को रेप होता है। I'm very sorry and this is not my fault. झूठा मक्का। I'm sorry, really. मैं तो आया, ये मेरे को बोला, ये मुझे आके बोला कि वो सामने वाली आइटम पे कुछ लोग रेप कर रहे हैं, चल जाके मदद करते हैं बचाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी शरीफ लड़की के बारे में ऐसी बेकार बातें फैलाते हुए? ए, चुप रहो, भगवान ने तुमको जुबान दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। Get out. ते को जाने के लिए बोल रही है, चल। I said get out. हम लोग जा रहे। Excuse me, madam. गलती तुम्हारी है। What do you mean? तुम्हारी एक्टिंग में इतनी सच्चाई थी कि हम अपने आप को तुम्हें बचाने से रोक नहीं पाए। कितना काम करवाता है गोपालम से और खुद दादागिरी करके आराम करता है। ए! तुम दोनों चुप बैठे हो, इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी है, वरना मैं या ओ, ओ। तुम लोग साले थकेले ना, धमकी देने के अलावा कुछ कर तो नहीं सकते। मेरी खोपड़ी सनकी ना तो दांत तोड़ दूंगा साले का मैं। तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? सामने आने दे, उसको बोल दूंगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। और गोपाल, ये दो कमीने हैं ना, मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे, मालूम है? मानेगा तो मैं बर्तन ही दूंगा, बोल रहा हूँ। ठीक से साफ नहीं कर रहा क्या? ये देखिए गंदा है, चल फिर से साफ कर, चल 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 चल। दोनों तो अंधे, उनको क्या मालूम बर्तन साफ है गंदा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हो गई पूजा? हाँ, कमाल है ना। क्या हुआ? जब से समीर घर में आया है, हाँ। हमें कुछ काम ही नहीं करने देता। अमेरिका में रहा है ना, और वहाँ तो सब काम खुद ही करना पड़ता है। हो, नमस्ते दादी जी। हाँ, नमस्ते दादाजी। निराली, ये लो बेटे प्रसाद खाओ। वो दादी जी, थोड़ा अचार मिलेगा? अरे बहुत है, तुम्हारी दादी के आचार विचार ने तो मुझे अब तक बांध के रखा है, वरना मैं तो कब का शुरू हो गए। तू बैठ, मैं अचार लाती हूँ। आ जाओ बेटे, आ जाओ। दादाजी, क्या बात है, दादी जी आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्यों नहीं आएगी है? अरे उसका पोता जो आया है अमेरिका से, समीर। अच्छा, दादाजी आपने बुलाया? अरे मैंने तो कभी भी नहीं बुलाया, तुम बिना बुलाए ही आ गए हो। तुम? अरे वो दादाजी, आपका नहाने का पानी गर्म हो गया, चलिए चलिए। चलो बेटे, तुम्हारे सहारे ना भी कहाँ गए, चलिए ना, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, चलिए बेटे, तुम बैठो, मैं नहा धोकर आता हूँ। ओके, अब अंदर तौलिया है बेटे कि धोती से ही काम चलाना पड़ेगा? अंदर जाइए तो सही, सब कुछ है। कल तो तुम बहुत काम बाकी है जी। वो दादा दादी का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है ना। वैसे आप अमेरिका में क्या करते हैं? अमेरिका में पतंग उड़ाता हूँ। क्या? मेरा मतलब है पतंग बनाता हूँ, पतंग का कारखाना है मेरा। पतंग का कारखाना? स्ट्रेंज। यहाँ स्ट्रेंज है, अमेरिका में तो बहुत चलता है ये बिजनेस, फ्लाइट कम पतंग ज्यादा उड़ती है। बाहर चले? ओके, आई डोंट माइंड। आइए आइए आइए। वैसे आपका किस में इंटरेस्ट है? सुना क्या पूछा उसने? आपका किस में इंटरेस्ट है? मेरी मुलाकात में चुम्मा चाटी पे उतरा है ये कबीला। चल दिखती क्या करना है। मेरा मतलब है आपको कौन सी हॉबी का शौक है? म्यूजिक, अभिजीत सावंत, ही इज माय फेवरेट। मेरा भी। अच्छा, वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। गिटार?
वो सिंगर है, गाना गाता है। अच्छा हाँ, तो वो जो पीछे गिटार बजाता है वो कौन है? पीछे मुझे कैसे पता होगा? अच्छा खैर जाने दीजिए, वो आपकी वो जो चार बहने हैं वो बहने? अच्छा वो वो सब मेरी बहने नहीं है, हम सब पेइंग गेस्ट एक साथ रहते हैं। तभी मैं सोचूं आपके पिताजी करते क्या है। जी मेरा मतलब है उनका प्रोफेशन क्या है? उनका अहमदाबाद में बिजनेस है। अच्छा, और आप क्या करती हैं? मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, फिलहाल तो अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रही हूँ। वैसे हम लोग आजकल एक कपल कार रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका पैसा हम बारिश में बर्बाद हुए लोगों की मदद के लिए दे देंगे। उसे मैं भी बहुत भीगा था यार। लेकिन आप तो अमेरिका में थे। जी हाँ, आइए ना आप, आइए। मजाक बहुत करते हैं आप। उस दिन अगर मैं भी यहाँ भीगा होता तो आप मेरी मदद करती? ऑफ कोर्स। मैं क्या कह रही थी, कल जो कपल कार्य हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, इसका आइडिया दरअसल मेरा ही है। आई लव स्पीड यू नो, और कल की रेस में मैं मोंटी का साथ देने वाली हूँ। मोंटी कौन? वो रेप वाला? जी हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, और मुझे पूरा भरोसा है कि वही जीतेगा। वैसे मैं भी कभी हारा नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ना कल। लाइसेंस नहीं है ना मेरे पास। कोई हंसा? यहाँ का लाइसेंस नहीं है मेरे पास, अमेरिका का तो है, यहाँ का लाइसेंस नहीं है ना मेरे पास। तो मैं क्या कह रहा था कि अरे बाहर से दरवाजा किसने बंद किया है? खोलो उधर। मैं आता हूँ, आप जाना नहीं। नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ। हाय, आप लोग यही रहते हैं यहाँ? एक्चुअली आपसे बहुत कुछ मांगने का दिल कर रहा है, लेकिन फिलहाल माफी से काम चला लेते हैं। थैंक यू, सॉरी। मैं भी। वो क्या है ना कि हम लोगों ने आपकी रिहर्सल का सत्यानाश कर दिया था, आपका तो पूरी तरह रेप भी नहीं हो पाया। वेरी सॉरी अबाउट दैट। इट्स ओके। और आप तो सॉरी बोलने नहीं वाले है ना? नहीं बोलेगा ये, कभी नहीं बोलेगा। ऐसा ही है ये। ओह बाय द वे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय डार्लिंग सर्वेंट लकी, माय लॉन्ड्री बॉय लक्ष्मण, एंड माय कुक माधव। से हाय बॉय, से हाय। हाय। सर्वेंट्स है? अच्छे कपड़े पहने हैं, तनख्वाह अच्छी देते होंगे ना इनको? वो क्या है ना कि मैं चले नीरू, रास्ते में बात करते हैं, चले। ओके। ये बस में डाल देना। कम कम कम, बैक टू वर्क बॉयज, बैक टू वर्क। साला अपने को नौकर बनाकर खुद उसको लेकर गया। कितनी दूर तक जाएगा, गाड़ी तो चलानी आती नहीं ना उसको। कल की रेस मैं ही जीतूंगा, मतलब और मेरी ट्रॉफी होगी निराली। लेकिन हम जैसे बेकारों के पास ये गाड़ी आएगी कहां से? उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अबे क्या कर रहा है? पचास तोला, एक्सक्यूज मी सर, पचास तोला। माधव। हाय। तू तो माधव? Nah, he's calling you Madhav, then he'll call you Lakshman, then he'll call you Gopal. Nah, absolutely nah. This is Seal. And that's Dickie. Madhav, कहीं से अपने को पहचान तो नहीं लिया? ये मोहतरमा क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि उनको बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, ऐसी गाड़ी जो बिल्कुल मेरी Dickie को सूट करे। तो ये देखिए मोहतरमा, 1965 का मॉडल। सीओ, ये गाड़ी की बात कर रहे हैं कि अपनी बर्थ डेट बता रहे हैं? Dickie is so funny, she's so funny. मोहतरमा, वो देखिए एकदम टिच मॉडल। हाँ, आप ही के जैसा और आप ही की तरह। मॉडल देखते हैं, आप इनको रहने दीजिए। काम आइए काम। ये देखिए लेटेस्ट और स्पीड कार, मार्केट में बहुत चलती है, और फिर ऐसा माल मार्केट में है भी नहीं। हम लोगों को माल नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए, माल है हमारे पास, और उसकी टेस्ट ड्राइव तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ, चला के देख ले प्लीज। चलिए ना टेस्ट ड्राइव लेते हैं। थैंक यू। अभी तू क्या मेरे गोद में आके बैठेगा? पकड़े। Oops. ले चेकबुक, अमाउंट भर लेना। सी यू सून, बाय कार्टून। सॉरी रॉन्ग मैन, बाय स्वीटी। चल बे। आराम से Dickie,
डिक्की छोटी टेस्ट ड्राइव लेना। डिक्की गोलमाल। गणपति के चंदे की रसीद। ओए डिक्की, ओए चूना लगा दिया। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू कैस्ट्रॉल GTX मोटर चेस 2006। हम आप सबके आभारी हैं कि आपने 26 जुलाई रेनफॉल रिलीफ फंड के लिए इस रैली में पार्टिसिपेट किया, और आज की रेस के एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए रेस के विनर को 5,00,000 रुपए का चेक प्राइज में दिया जाएगा। यार ये मोंटी है ना, तुझसे हारने नहीं वाला है, प्रोफेशनल लग रहा है। हरामी पने में मैं ही प्रोफेशनल हूँ, देख मेरे पास क्या आइडिया है। ये बेबी Come on!
तुम तो कार रेस में नहीं बैलगाड़ी की रेस में जाना चाहिए। मिताली वो गाड़ी में पेट्रोल कैसे खत्म हो गया समझ में नहीं है। अरे पेट्रोल खरीदने का पैसा नहीं है तो तुम कार रेस में आए ही क्यों? खुद के साथ साथ मेरा भी मजाक बना के रख दिया तुमने। लंच में मिल रहा ना वहाँ तुम्हें सब समझाता हूँ। लंच अब तुम्हारे साथ तो मैं चाय भी नहीं पीऊंगी। Now I call on stage the winner of Castrol GTX Motor Chase 2006, Mr. Madhav Singh Ghai. Yes, thank you. Thank you. And here comes the 5 lakh rupees check. Decided, Mr. Madhav Singh will donate the amount to 26 July Rainfall Relief Charitable Trust. Wow, he's so handsome, na. वैसे तू भी कुछ कम नहीं है जाने मन। बोल चलती है क्या 9 से 12? तुम लड़कियों को छेड़ना तो तुम्हारी हॉबी है। अबे तू उसको कुछ बोला क्यों नहीं? अच्छा तू बोल ही नहीं सकता है ना। आओ आओ। मजाक कर रहा हूँ यार, तू भी क्या हर्ट हो रहा है। यू नो, गाड़ी आपको चलानी चाहिए। सुभाष भाई को जानती हैं आप? बहुत ही करीबी रिलेशन में हमारे, पर वो मुझे लॉन्च नहीं कर रहे हैं और मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मजबूरन मुझे ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना पड़ रहा है। क्या हुआ? मेरी फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है और हीरो भी मैं ही हूँ उसमें। तो आप शांति निकेतन में क्या कर रहे थे? मैं थर्ड एक्टर हूँ, मैं थर्ड एक्टर। तो क्या है ना कि मैं नौकरों के ऊपर फिल्म बना और नौकरों को करीब से जानना चाहता था मैं। हाँ अच्छा। तो आप परफेक्शनिस्ट हैं, राइट? ऑलवेज, हमेशा हमेशा। आपने देखा होगा रेस की लाइन पे रुक गया था मैं, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल नहीं रुक गया था, है ना? आप लंच तो करती होंगी ना? मेरे साथ लंच करेंगे? जी आज मैं जेम 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 जेम। देखिए मेरा जो परफेक्शन का जो दिल है ना वो टूट जाएगा। वैसे ही जैसे तूने पेट्रोल की टंकी तोड़ी थी। ये प्राइस आपका है निराली जी, इस कमीने ने आपकी टंकी में छेद कर दिया था ताकि आप ये रेस हार जाए। ओ, इसकी शक्ल तो मेरी जैसी और भी है। कमीने, मैंने तुझे गाड़ी चलाना सिखाया था। झूठ, चीटिंग करना नहीं। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? छोड़िए निराली जी, ऐसे कमीने के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, मुंह गंदा हो जाएगा। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए कहीं भी बैठिए। छोड़ देता हूँ मैं तुझे, कहीं का नहीं छोड़ूंगा साले। लंच का क्या, कहाँ जा रही हैं आप? ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। बच्चे का क्या कसूर, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, गोपाल का कुछ करना। लेकिन तू कर भी क्या सकता है? तू क्या कहना चाहता, मैं कुछ कर नहीं सकता? नहीं नहीं, कर सकता है। उसके आते ही उसके पैर पड़ सकता है, उसके सामने माफी का मुजरा कर सकता है। अबे बिना वॉल्यूम की टीवी, बहुत पक पक कर रहा है तू। ए, इसमें इसका क्या कसूर यार, गुस्सा उस पर उतारना। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो। माँ का दूध तो मैंने पिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं साले को दिखना। पहले पकड़ तो सही। अबे तू भी यार। हाँ उस दिन गोपाल ने निराली के सामने तुझे बावर्ची का, तब भी तू चुप बैठा। हाँ लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। उस दिन मैं चुप बैठा था पता है क्यों? बावर्ची हिट हुई थी पता है, उसका रीमेक कर करके कितने लोग हीरो नंबर 1 हो गए, मतलब उसको छोड़ता नहीं कसम से बता रहा हूँ। हाँ पूरी रेस जीतने के बावजूद भी लड़की के सामने 0 नंबर 1 बन गया, लकी। लेकिन ये कर भी क्या सकता है यार। तू बहुत बोल रहा है, तू बहुत बोल रहा है। अरे
यार सुन तो। छोड़ यार। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार, मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी हड्डी पसली तोड़ के, दांत तोड़ के उसको लंगड़ा बनाकर दिखा, अगर एक बाप की औलाद है तो। नहीं। क्या एक बाप की औलाद नहीं है? अरे नहीं यार वो नहीं, ये तो 1980s की पिक्चर में होता है टांग वांग तोड़ना। मैं तो सलिया लूंगा, सर फोड़ दूंगा उसका। स्लो टॉर्चर चल जाती है। सच? यस 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 यस। उतर गया बोतल में। ये गूंगे ने क्या बोला? नहीं नहीं ये बोल रहा है तू जो कर रहा है सही कर रहा है एकदम। तो उसके सामने थोड़ी ना बोलते। देखना वो बच ना जाए। अगर वो बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। तू हिम्मत दे रहा है, डरा रहा है मेरे को? नहीं नहीं हिम्मत रख तू। तू देखना उसके सर पे ऐसा फटका मारूंगा ना अंधा हो जाएगा वो, जिंदगी भर सॉरी सॉरी बोलता फिरेगा। सॉरी 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 सर पड़ जाएगा उसका देखना। अच्छा वो अंधा हो जाएगा, तू जेल चला जाएगा, इससे तो इंटरेस्ट नहीं है, निराली मेरी हो जाएगी। वो आ गया वो। मुझे अचानक याद आ रहा कि मुझे सुसु आ रही है। ठीक है बाथरूम में रेडी रखता हूँ, तू मार के तो आ। थैंक यू। हम है तेरे साथ चल। मुझ पर ये क्या किया तूने? लगता है जान से मार दिया तूने। जान से थोड़ी मारा, मैंने तो रॉड से मारा था। लेकिन तू तो सिर्फ अंधा करने वाला था ना उसे। ये तो अंधा पड़ा। कौन है? अबे भूत देखा क्या? पता नहीं। कौन है ये? हो रहा हुआ? क्या बोल रहा है ये? हाँ वो आज तो कुछ नहीं बोलेगा मेरे दोस्त। ओ, 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 ओ। ये बोल रहा है इसे भूख लगी है। चुप। माया ओ। अबे तेरी वो किधर गया? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन था? दादाजी का कोई लफड़ा तो नहीं है? छी 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 छी। दादी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। नहीं यार दादाजी भी तो हो सकते हैं। हाँ लेकिन गोपाल तू बहुत अच्छा है, तुझे कोई रोड से नहीं मारेगा। तू चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। खाना बनाया? पतला हो गया तू। मायो तू जा छुट्टी पे चला जा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ। तारा मूला चला जा, कुछ और प्लान है मेरे पास। जा। जय मदर मेरी। दादाजी और करूं? दादाजी आपका किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं है? झगड़ा? अंधा कहां जाएगा लड़ाई झगड़ा करने, उधार की जिंदगी अपने आप से ही लड़ रहे हैं। नहीं मेरा मतलब है किसी से उधार या कुछ। वैसे तो उधार था मेरा एक पे, तेरे बाप पे, वो उसने चुका दिया बेटे, तुझे यहां जो भेज दिया। दादा दादी अंदर आ गया वापस। हो आ गया तू? दादी दादाजी जीते रहो। अरे तू वापस फिर से कैसे आ गया भाई? चिप से। अच्छा फ्लाइट के पैसे नहीं थे? अरे थे दादाजी, बिजनेस सेट होने ही जा रहा था कि तकदीर ने टांग दे दी, पूरा लॉस एंजलिस हो गया। लॉस एंजलिस। समीर ये हमारा नौकर पांडू है। अच्छा मिस्टर पांडू रख, अब आप वापस कब जाओगे? कम ऑन दादाजी, अब मैं जिंदगी भर यहीं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। ये बेचारा नौकरी करके पैसे बचाता है और फिर बिजनेस करने दुबई चला जाता है, और वहां से कंगाल होकर फिर से गोवा।
ये क्या दादाजी, ये क्या? कुछ दिनों के लिए मैं चला क्या गया, आपने नया नौकर रख लिया, नॉट फेयर। ये नया नौकर नहीं है, ये हमारा पोता समीर है। स्टूपिड। अरे बचपन में तूने इसे देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। समीर इतना बड़ा हो गया? अरे तू तो बच्चे से आदमी बन गया। तू भी तो आदमी से बंदर हो गया। आप कौन? अरे वही तो समीर है, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ये समीर है। ये कौन है? अरे वही तो समीर है, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ओके, ये समीर है। हाँ, ये समीर है, ये समीर है। ये कौन है? अबे बोला ना, मैं समीर हूँ। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। करेक्ट। माना कि तुम समीर हो, तो फिर बाकी तीन कौन है? तीन तो फिर से पी के आया पांडुरंगा, इस घर में नशा किया है तूने? वही सोचूं मैं दादाजी, ये हिल क्यों रहा है? तू चुप। दादाजी तीन नहीं, चार चार, चार समीर है। इसे चार चार भी दिख रहे हैं अब। चार? तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तू क्या पी के आया है, क्या पी के आया तू बोल। दादाजी मिक्स तो दूर की बात, माँ कसम, माँ की कसम खाता दारू पी के। दादाजी मैं आपको दिखाता हूँ, सुंघाता हूँ। क्या हुआ? अरे दादाजी ये तो चल भी नहीं पा रहा है अब, पर इससे तो बात करना ही बेकार। अरे सुनिए, हमें मंदिर जाना है। समीर बेटा। हाँ जी। ले जाएगा ना? बहुत बेकार हो गया है ये पांडू। ए, पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ रहना है तो अपने काम से काम रखना, समझा? समीर बेटा, आज मेरी मन्नत पूरी हुई, ये ले, इसको छुट्टा करके गरीबों में बांट दे। हाँ, 1000 का पत्ता है। हाँ, आओ। सॉरी दादी जी, पर यहाँ सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूँ। सॉरी भगवान जी। आखरी। देवाद, देवाद। अरे दादाजी आप? अरे मैं आप ही के आने वाली थी। क्यों, आचार खत्म हो गया? नहीं नहीं, एक्चुअली कल मेरे कॉलेज में एक डांस कंपटीशन है जिसमें मैं हिस्सा ले रही हूँ। अच्छा। और मुझे किसी भी हालत में ये कंपटीशन जीतना है। हाँ। इसलिए बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए था। हाँ। है आशीर्वाद है हमारा, तुम जरूर जीतोगी। ठीक है ठीक है, लेकिन आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। ओ? आप दोनों को वहाँ पे आना भी पड़ेगा। अरे बेटी हम दोनों तो नहीं आ सकते, लेकिन समीर है ना, समीर है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, घर आना। हाँ नहीं, वो क्या है, बेचारे अंधे हैं ना, तो मुझे समीर समझ कर यहाँ ले आए, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आप भी प्लीज़ कुछ कहिएगा माता, और मुझे भी थोड़ी देर के लिए दादा दादी जी का प्यार मिल जाएगा। और हाँ, डांस कंपटीशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट, मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगा कि आप ही को जिताएं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। ढूंढ रहा था बे? फोरानस चवन्नी गिर गई थी, ढूंढ रहा था। ए, उई आयो। ये तो बोल रहा है कल तू इस कमरे में आया ही नहीं था। ये कब बोला? हवा चल रही थी, चवन्नी उड़ के आई होगी, फिर कभी ढूंढ लूंगा। ओके सुन। क्या ढूंढ रहा था? मैं कुछ नहीं बाबा, एक चमाट मारूंगा ना तो ऐसा खड़खड़ बिखर जाएगा। मैंने बोला ना मैं कुछ नहीं, आप लोग। कभी गैंग बैंग देखा है? नहीं। देखेगा? ओके। अरे बाबा तुम लोगों को पता नहीं तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना मर जाओगे।
आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। मैं जाता हूँ, इसकी मार के आता हूँ। समझ रहा हूँ मैं। पूजा ना, हीरो तो तू है ना, इसलिए तो मार नहीं खाना चाहता हूँ। माफ कर देते, जाओ माफ किया तुमको, तुम अपनी चवली ढूंढो, जाओ जा। गोबे छिपकली गैंग बैंग, एक साथ पूरी गैंग को बैंग कर दिया मैंने। थो शुक्र मनाओ कि आज मेरी तबीयत खराब है, वरना ऐसा मारता, ऐसा डसता। उठो, लगता है अंधे ने हिजड़ों की फौज जमा कर रखी है। अपन हुआ और आने ई और आने ई और आने ई ओ ओत ओत और आने ओत ए आ ए ओ ए ए ए ए ए ए ए उप हे इप हे ओत और आने ओत आ ए ओ आ ए उ ए और आने ओत ए और आने ओत ए आ ए उ वो वो और वार या उ ओत तू और वार वार या हर और ओत आ क्या बोला? ये बोल रहा है कि इसको बोलते हैं गैंग बैंग। क्या ढूंढ रहा था बे? संदूक, उसके ताले की चाबी। तू तो यहाँ काम करता है ना, तुझे नहीं मालूम संदूक कहाँ है? बुड्ढा बुड्ढा चालू है बहुत, भरोसा नहीं उसका, कहीं भी छुपा सकता है। बदतमीज अपने मालिक को बूढ़ा बोलता है, चालू बोलता है। चल निकल यहाँ से, वरना कुकर में डाल के सीटी बजा दूंगा। उसको बोल इज्जत से बात करे। ओके कमीने, वो इज्जत से ही बात कर रहे थे। तेरे को शर्म नहीं आती? जिस घर में खाया पिया नंगा लाया उसी में छेद, साले शक्ति कपूर, तू तो क्या कर रहा है? देख लूंगा सबको। मैं चड्डी में से हाथ निकाल फिर दिखाना। छोड़ना, चाली छह प्लेट बना दिया। संदूक 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 आओ। ए मेरे पास 1% भी टाइम नहीं है, कल वो डांस कंपटीशन और मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। डांस कंपटीशन? डांस कंपटीशन? ए चुप, घास कटिंग कंपटीशन। यहाँ के जो बंगलो है ना, उनके मालिकों ने खास कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया बस। घास कटिंग कंपटीशन? सच सच बता, वरना वो हाल करूंगा कि खड़ा भी होगा तो लोग बोलेंगे क्या डांस कर रहा है। नहीं कल वो डांस कंपटीशन है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। किसके साथ? निराली। निराली के साथ? कहाँ गया? जाने दे यार, ठीक है ना, छोड़ कैंसर। हाँ नहीं, इंटरेस्टिंग है ना? नहीं, अच्छी बात है। That's right, come on. Yeah.
मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्या हो रहा है मोंटी? मुझे क्या पता? प्लीज जाके चेक करो अभी। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। व्हाट द हेल? मेरे दिल विच समथिंग समथिंग ओ मैनू छड़ना समथिंग समथिंग ओ मेरे दिल विच रहियो सोनी ओ मैनू छड़ना जइयो सोनी ओ मेरे दिल विच रहियो सोनी ओ मैनू छड़ना जइयो सोनी मेरे दिल विच रहियो सोनी मैनू छड़ना जइयो सोनी तेरे लिए बनाई है सीने में एक जगह रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे मेरे दिल विच आ रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे मेरे दिल विच आ रह जा रे मेरे दिल विच रहियो सोनी ओ मैनू छड़ना जइयो सोनी मेरे दिल विच रहियो सोनी ओ मैनू छड़ना जइयो सोनी तेरे लिए बनाई है सीने में एक जगह रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे मेरे दिल विच आ रह जा रे आसमां तक चले आ पलक चूम ले सपनों के शहर में जी भरने तक घूम ले दिल में जो ताल है अपनी इस ताल से दुनिया ये बहक जाए अपने संग झूम ले ओ सुन ले वे यारा इस दिल की सदा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे मेरे दिल विच आ रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे मेरे दिल विच आ रह जा रे ओ मेरे दिल विच रहियो सोने ओ मैनू छड़ना जइयो सोने ओ मेरे दिल विच रहियो सोने ओ मैनू छड़ना जइयो सोने तेरे लिए बनाई है सीने में एक जगह रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे मेरे दिल विच आ रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे रह जा रह जा रे मेरे दिल विच आ रह जा रे कहाँ है यार ये दोनों ओए इधर तो संजू बाबा वसूली जी तुम संजय दत्त लगते हैं ना हाँ देखो देखो मेरे पास है पैसे कसम से मैं इस बार पैसे लाया हूँ मेरी जेब में है मेरी जेब में नहीं सॉरी मैंने दोस्त को दिया रखने के लिए वो वहाँ है अबे यहाँ पे यहीं कहीं खेल रहा था वो लाल टोपी लाल टोपी लाल टोपी लाल टोपी अबे इस जीत के असली हकदार आप लोग हैं बाकी तीन कहाँ है नहीं बाकी तीन वो तो मेरे सपोर्टर्स हैं सब कुछ मैं ही हूँ अच्छा पता नहीं तुम अगर सही वक्त पे नहीं आते तो क्या हो जाता तुमने शायद मेरी जीत के लिए भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना की थी है ना जी हाँ बड़ी ईमानदारी से वैसे मैं एक कलाकार हूँ हाँ हाँ और आप मुझे पेंटिंग और डांसिंग का बहुत शौक है लेकिन क्या करूँ सिर्फ कला से तो घर नहीं चलता है ना हाँ इसलिए मैं फैशन डिजाइनिंग भी कर रही हूँ अच्छा अच्छा मेरी माँ एक कलेक्टर थी टिकट कलेक्टर नहीं नहीं IAS ऑफिसर ओह सॉरी मेरा बचपन बड़ी रईसी में गुजरा तो फिर आप दादा दादी के यहाँ बर्तन क्यों मांझते हो नहीं वो इसलिए कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं भी एक कलेक्टर बनूं और मेरी चाहत थी साधना आपकी गर्लफ्रेंड नहीं नहीं कला की साधना इसीलिए मैंने तय किया कि चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े लेकिन मैं अपनी माँ के सामने अपने हाथ नहीं फैलाऊंगा क्या है कि सच्चाई और ईमानदारी पे मुझे बहुत भरोसा है मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा बहुत अच्छी बात है मुझे सच्चा ईमानदार लोग बहुत पसंद है यानी कि आपको मैं भी पसंद इसने जो झूठ बोला बेईमानी की
उसके लिए आपने इसको माफ कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो आपका डांस कॉम्पिटिशन था ना, तो इसे पता नहीं क्यों जलन हुई। आपका शो शुरू होते ही इसने स्पीकर्स के बाहर काट दिया और सीडी निकाल दिया। यही है ना ये मैं रख लेता हूँ, छोड़ो ये। और कहने लगा अब देखता हूँ कैसे जीतती है। तो मैंने इसे समझाया, अरे पागल द शो मस्ट गो ऑन, तुझे मैंने इतना डांस सिखाया वो कब काम आएगा, और धक्का मार दिया तब जाके ना चाहिए। फिर मैंने इसे समझाया कि अब जाके सॉरी बोल। सॉरी बोला ना तू? अच्छा हुआ आपने इसे माफ कर दिया, क्या है कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। यू चीटर, मजाक कर रहा है ये, बड़ा मजाक क्या है ये? अब निराली जी, मेरी बाइक में बहुत जगह है, आपको तो पता ही है, आपको छोड़ दूं? आइए आइए, बहुत जगह, मैं भी चलूं। मुजरा करें हम चार और लड़की लेके जाए तू अकेला। वसूली भाई तेरी। साला ये ले 10 रुपए, नागपंचमी है दूध पी लेना जाकर के। कह रहा था कि पूरे घर का कोना कोना जानता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, सब मुझे ही करना, सब मुझे ही करना पड़ेगा। जाकर क्या लड़कियों की तरह आंसू बहा रहा है यार, थोड़ी तो खुन्नस दिखा। अरे तू मर्द है कि नहीं? गोपाल ने तेरा इतना बड़ा मजाक उड़ाया, तू शांत बैठा है? तेरी माँ ने इसीलिए तुझे पढ़ाया लिखाया? सिर्फ पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों ने एग्जाम्स कहाँ देनी थी? लेकिन प्यार के एग्जाम में तुझे खुला छोड़ा था ना, और तेरी लव स्टोरी बस पन्ने ही वाली थी कि बैंड बज गई। किसने बजाई? उसी कमीने ने। लेकिन निराली के सामने उसने तेरी भी तो, अरे मैंने फिर भी मोंटी की गाड़ी में छेद तो किया, तूने क्या किया? डांस थ्रू सिस्टम का वायर ही तो काटा तूने। मेरी अच्छाई का अच्छा फायदा उठाया उसने। सुन काट डाल, तू काट डाल वायर, इलेक्ट्रिशियन है तू, गोपाल को काट डाल। काटना वाटना मुझसे नहीं होगा क्या? काटना वाटना तुझसे नहीं होगा? उसने क्या क्या किया तेरे साथ वो याद नहीं है तुझे? तेरा कमरा छीन लिया उसने, और यहाँ आने के बाद तेरा खाना छीन लिया उसने। अरे खाना क्या, तेरा तो जीना छीन लिया यार उसने। तेरे से तेरी निराली भी छीन ली। करेक्ट। और वो रात याद है तुझे जब तेरे पास सोने के लिए चादर नहीं थी? कहाँ गई वो चादर, किसने ली? उसके वजह से गई चादर। मैं तेरी जगह पे होता ना, मैं उसके लिए कफन खरीदता था, कफन। तो आना मेरी जगह पे यार, मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है। इतनी सी बात के लिए तू रो रहा है? इतनी सी बात? मैं हूं ना तेरा दोस्त, मैं तुझे पैसे दूंगा यार जहर के, सच्ची बता रहा हूं। हाँ? तो ठीक है, चाय। हाँ कल सुबह की पहली चाय उसकी आखिरी चाय होगी। हाँ। क्या कर रहे हो? डांस। ओ बोल माल। गोपाल। हाँ। ए गोपू। बोलना। गरम गरम चाय। ला। पी लेना। हाँ? जाना।
कुत्ते की तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? पहली बार मेरी शक्ल देखी क्या? आखिरी बार क्यों? तू फिर से सुसाइड कर रहा है क्या? गोपू तू इतनी मेहनत मत कर यार, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तू थोड़ी देर के लिए लेट जाना प्लीज। ए फ्लॉप एक्टर। फ्लॉप एक्टर बोलने क्या जरूरत है? लेट हूँ या बैठू तुझे उससे क्या? बात तो बराबर है, तू लेटे या बैठे मुझे उससे क्या, लेकिन फाइनली तो तू लेट ही होने वाला है ना। लेट गोपाल। माधव उसे तंग मत कर। गोपू तू बता तुझे कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो चूहे मेरे कान में चू चू कर रहे हैं। चू चू की आवाज सुनाई दे रही है। गोपू और क्या हो रहा है? बस यार एक बार निराली को प्रपोज मार दूं फिर बीवी बच्चे सब हो जाएंगे। तू निराली और बीवी बच्चों के बारे में मत सोच यार, मैं हूं ना। तू बता हेल्थ वाइज कैसा लग रहा है? हेल्थ वाइज? हेल्थ वाइज मुझे कुछ हो रहा है। मेरा दाहिना हाथ बहुत खुजा रहा है। सही है, फिर बायां पैर खुजाएगा, फिर दायां, फिर पूरी बॉडी सर से पैर तक। सही है। अबे खुजली वाले कुत्ते, जब मेरा दाहिना हाथ खुजाता है तो जानता है ना मैं क्या करता हूँ? खुजाता है? नहीं, सबको धोता। नहीं माधव मेरे भाई, हाथ मत उठाना। गोपू बस अब कुछ पल का ही मेहमान है। इधर आ चिरकुट। तू मार, तू मार, अगर तू मारते मारते जाना चाहता है ना मार। जोर से क्यों मार रहा है यार? अबे क्या कर रहा है, दर्द की जगह है यार, क्या कर रहा है? अबे तू हाँ बात की सीरियस क्यों ले लेता है? आओ क्या कर रहा है? आओ 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 तेरे तो अबे लक्ष्मण देखा यार क्या मारेगा ये? ऐसे तो हम लोग बस मार जाएंगे। अबे ज़्यादा मिला था, जल्दी मार था, मैं मर रहा। सब लोग सुबह से एड़ा बना रहे हो, चाय का कप मांगा, चाय सुनाई नहीं दी, खाली कप दे दियो। ए ओ ए उड़ा आ आ ए आ आ आ ए आ मां क्या बच गया? क्या हुआ? ओणिया बड़ बड़ ए इयो। अरे कौन है वो? ऐड नहीं है लगता है, इसने गोपाल को पिलाने वाली चाय युवा। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि लक्ष्मण ने तेरे जो चाय बनाई उसके बाद तो वो आइस टी लेके आया गोपाल के लिए, खास उसके बाद और दालचीनी तो डालना ही और लाल मिर्ची भी। ए चुप, हो सकता है चाय बना रहा है पाया बना रहा है। इतनी आसानी से नहीं मरेगा ये, मैं जानता हूं उन कमीनों को, जहर भी डुप्लीकेट लाए होंगे। हाउ विल दे सेव, कब तक बचेंगे? क्या हो गया दादाजी? तेरी आवाज को क्या हो गया? वो आवाज बैठ गई है दादाजी। अच्छा एक बात बता, अभी टाइम क्या हुआ है? 12:05। 12 बज गए? वो 12:05 12 के बाद ही बजते हैं दादाजी, उसके बाद 12:06 12:07 8:09। ये कैसा है? नहीं गजरा तो मैं पहनता नहीं दादाजी, और इसका भी शौक नहीं है। छे तेरे लिए नहीं, तेरी दादी के लिए, वैलेंटाइन डे है ना। हाँ हाँ कैसा रहेगा ये? अच्छा है। अच्छा है? हाँ 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 ओके ओके। Nothing gonna change my love for you. Nothing gonna change my love for you. Yeah. आहो, रात के 12 बजे गजरा लगाने के कहां से सूझी? मुझे पता था तुम भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। Happy Valentine's Day. आज Valentine's Day है? तभी मैं सोचूं इतने प्यार से अब गजरा क्यों लगा रहे हैं? Valentine's Day. कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही है। आओ हमारे समय में बसंत पंचमी के दिन प्यार का इजहार होता था ना। हाँ लेकिन अब क्या करें, जमाना बदल गया है, मॉडर्न टाइम्स। वैलेंटाइन डे के दिन जब लड़का लड़की से कहता है कि आई लव यू, तब लड़की ना नहीं करती, हामी भर देती, आई लव यू मगारी। अगर समीर सुन लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही कहेगा कि मेरा प्यार भी दादा दादी के प्यार की तरह जिंदगी भर बढ़ता रहे। एक बात बताओ, क्या ये समीर को
वाकई निराली में इंटरेस्ट है? आप भी ना। नहीं, बड़ी गुणी लड़की है मगला, बड़ी बड़ी गुणी है, जिसके घर जाएगी उसको बहुत सुखी रखेगी। मतलब निराली को आज ही रात को जाकर प्रपोज करना पड़ेगा। गुड, पागल है ये लोग, बोले जाके लड़की को आधी रात को प्रपोज कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। सोए? हाँ चलो सो जा। चल चलो, ठीक कह रहा है यार ये, रात को किसी लड़की के घर जाना इंप्रेशन खराब होता है, बैड आइडिया, सो जाना चाहिए। या तू चल, मैं दो मिनट का काम है जरा, चल ना साथ में सोएंगे। चल लोग क्या सोचेंगे, आज वैलेंटाइंस डे है, चलेगा? निराली, तुम लोग इस वक्त यहाँ? क्या है ये सब? नहीं, वो आज वैलेंटाइन्स डे है ना, तो 12 बज गए हैं। तो मैं तुम्हारे, हम लोग आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। तू जा, जा। ये क्या है? अचार। तुम्हें वो दादी जी के हाथ का बनाया हुआ अचार अच्छा लगता है ना, तो मैं खुद अपने हाथों से ले आया, और साथ में ये भी। तू जाएगा? नहीं। और ये मेरी तरफ से। क्या ये? देखिए ना, प्लीज प्यार से। छी, कोई मांग? टॉयलेट पेपर लाया तो मेरे लिए? ये यहाँ लाया तो कल सुबह क्या करेगा? तू सोच, तू क्या करेगा? हाँ यार। नहीं नहीं, आप टॉयलेट पेपर क्यों देख रही हैं निराली जी? उस पे जो लिखा है वो देखिए ना प्लीज, वो डिजाइन नहीं है। अरे हाँ, लिखा हुआ है इंग्लिश में। कुछ लिखा है? हाँ, पे जोर डालिए। कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा ना निराली जी, तो आप मेरी लीडिंग लेडी होंगी उसमें, और आपकी मम्मी जी की एयर टिकट और जूस मेरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री। और ये तो कमी नहीं है ना, विलन है इसमें। तो प्यार से रखिएगा, मेरा दिल है ये। जाओ जा, कुछ नहीं होने वाला तेरा। अब तुम क्या लाए हो? रैट पॉइजन। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से इसे पिलाकर मुझे मार डालो। क्या? हाँ, ये जीना भी कोई जीना है? सारी सारी रात मैं तुम्हारे ख्यालों में जागता रहता हूँ, दिन में सोता हूँ तो सपने में तुम नजर आती हो, खाना बनाते हुए, बहू बनकर दादा दादी की सेवा करते हुए। भाई चाहिए इसको। छत पे जाता हूँ तो तुम ही नजर आती हो, बाल सुखाते हुए टावल में। मैं इस तरह नहीं जी सकता, तुम मुझे ये पिला के मार डालो। क्या कर रहा है यार, इतनी छोटी सी बात के लिए निराली जी को परेशान क्यों कर रहा है? मैं हूं ना, मैं तुझे जहर दे के मार दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मदद कर रहा हूं अपने दोस्त की। अब क्या है? नहीं, आप वो जवाब अगर दे दे तो सेटलमेंट हो जाता। हाँ। अरे ऐसे कैसे मैं एक मिनट में जवाब दे सकती हूँ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, एक काम करती हूँ, कल 2 बजे मैं तुम्हारे घर आती हूँ, और फिर बता दे कि मुझे किससे प्यार है। ठीक है?
सिर्फ डेढ़ घंटा बाकी है, हम इंतजार करेंगे। अभी नहीं, कल दोपहर 2 बजे। कल इधर। थैंक यू। कल जब आप आएंगी तो जहर की बोतल जरूर ले आना। ठीक है। अगर हाँ है तो इनके काम आएगी, अगर ना है तो मेरे काम आएगी। बिल्कुल। अभी बाय। 2 बजे। बाय बाय। उधर उधर उधर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिएगा, बाद में रूम यूज़ कर सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कब से लाइन मारने लग गया? तू चेक लेके आया है? तू निराली जी को खरीदना चाहता है कमीने? तुम तो इनसे भी गए गुजर निकले। इस पकड़ के पास अकाउंट भी है क्या? तुम मुझे खरीदने आए हो? गेट आउट। आई सेड गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। चल चल हट। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग भी गेट आउट। निकलो। ओके निकलो सबके सब। गॉड। तू कब से लाइन मारने लग गया बे? और फायदा क्या है लाइन मारने का? रोमांस करने के लिए इसको साथ ले जाएगा? अबे मैं जाऊंगा थोड़ी। मैंने तो सिर्फ सॉरी बोला। वाह, लड़की को देख के बोलने में लग गया तू। ए लिखा कि तुम्हें आज तक पता नहीं था कि मैं गूंगा हूँ, इसलिए तुम मुझे हमेशा गलत समझती रही। मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी ना हूं। चल ठीक है। मंगला, क्या है? तेरी आवाज को क्या हो गया? मैं समीर हूं। समीर, तेरा तो गला बैठ गया था ना? हाँ, खड़ा हो गया। खड़ा हो गया? मुझे लगा भगवान का बैठ गया है। बुड्ढा इतना पका हुआ है, इसके हाथ में कैरी दो आम बन जाएगा। बहाना है, इसको निराली आने वाली है। दादाजी, आपकी छड़ी। छड़ी? छड़ी क्यों? आपको बाहर जाना है ना? बाहर नहीं तो तू क्यों मुझे बाहर भेज रहा है? कोई आने वाला है? कौन? कोई नहीं। अच्छा अच्छा, निराली आने। आंखें नहीं है तो ये हाल है। आंखें होती तो आने वाली को देख लेता मैं। मतलब निराली आने वाली है। अब तो बेटा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। वाह, आने दो निराली को। अरे दादाजी, कोई निराली विराली नहीं आने वाली है। मैं भी मेरे बाप को इसी तरह मंदिर भगाया करता था कि डैडी मंदिर जाइए मंदिर जाइए। आपकी लव मैरिज थी? यस बेटे, स्वतंत्र भारत का शायद वो पहला लव मैरिज होगा, फर्स्ट वन। और दादी की? दादी का भी लव मैरिज। दादी का भी लव मैरिज हुआ ना, बदमाश। आपने दादी की सेटिंग कैसे की? सेटिंग इट्स अ रॉन्ग वर्ड। मेरा मतलब है आपने वो दादी को किया कैसे? करते हैं ना वो प्यार का इजहार। प्यार का इजहार वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा। टाइम लगेगा उसके पीछे? नहीं, लेकिन सुननी पड़ेगी। मैं उन दिनों जंगल जाया करता था, सुबह 6:30। घर पे टॉयलेट नहीं थे ना तब? अरे पगले, टॉयलेट नहीं, वॉक के लिए जाया करता था। वही जंगल में तो मेरी मंजिल थी। अच्छा, जंगल में मंगला। शट अप एंड फॉलो मी। अरे दादा की लव स्टोरी तो ज्यादा ही चल रही है यार। कुमार गौरव की लव स्टोरी वो भी इतनी नहीं चली थी। ए, आयो। अब और कितना चलना पड़ेगा? ए, चुपचाप चलना, मैंने बोला था फ्लैशबैक में आने के लिए। हाँ दादाजी, फिर क्या हुआ? फिर मेरी जिंदगी में बेटे एक मोड़ आया। ये तुम क्या कर रही हो? गोबर। ये तो आर्ट फिल्म की हीरोइन लग रही है यार। अरे है तो अपनी बुड्ढी, सिर्फ जवान लग रही है। तुम यहाँ हर रोज आती हो? आप भी तो यहाँ से हर रोज गुजरते हैं। कल क्यों नहीं आई?
कल सोमवार था। सोमवार? सोमवार को गाय गोबर नहीं देती क्या? सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ। क्या? 16 सोमवार का व्रत रखा है। मेरी माता कहती है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से एक अच्छा वर मिलेगा। जब तुम्हें सोमनाथ ही मिल गया है तो बाकी 15 सोमवार करने की क्या जरूरत है? वाह, लाइन मारा। इश। क्यों आगे पीछे डोलते हो भवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो भवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं। क्या कोई परवाने हो? नहीं नहीं। क्या मेरे दीवाने हो? क्या कोई परवाने हो? काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। बोल दे प्यार है खामोश क्यों है खड़ा, हम अगर होते तो बोल दिया होता। क्यों आगे पीछे डोलते हो भवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। पीछे डोलते हैं भवरों की तरह, हम देखते हैं तुमको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो? अरे हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या मेरे परवाने हो? अरे हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या मेरे दीवाने हो? क्या मेरे परवाने हो? आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया। तब जाके हुई हमारी शादी। यह है बेटे मेरे इश्क की दास्तान। हो गया। अरे नहीं, शादी के बाद क्या हुआ? हनीमून के लिए। दादाजी। हाँ, वाकई दादी ने आपको मंदिर बुलाया था। लगता है तू बोर हो गया है ना? कोई बात नहीं बेटे, मैं मंदिर जाके आता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, लड़कियों के मामले में हिम्मत है मर्दा। मदद है खुदा। मर्दा या खुदा, वरना दादा तो है ही। गुड लक बेटे। थैंक यू दादाजी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। आगे बढ़ो, फतेह। मैं शेव करके आता हूँ। अबे कितनी बार शेव करेगा? अरे मैं नहीं ये बोल रहा यार। जा दरवाजा खोल। अरे इस वक्त कौन आया होगा? निराली। अरे गुड
हेलो हेलो सुनो मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। नहीं वो पीछे से लगता होगा, मुझे पीछे से देखकर बहुत लोगों को आप जैसा ही लगता है। सुनो भाई ए, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं भेजता हूँ किसी को। किसको भेजोगे? अरे अरे तुम मेरी तरफ घूमती क्यों नहीं हो? नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ लेकिन आप भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना तो। ओके 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 मैं घूमना बंद कर देता हूँ बस, लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या? हाँ क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन जाते जाते ये तो बता जाओ कि सोमनाथ जी कहाँ गए हैं? वो मंदिर गए। मंदिर गए हैं? अरे भाई तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं? कमाल, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। अच्छा भाई बताओ ये सोमनाथ जी वो भी दाढ़ी बनाने गए? कौन है भाई? जी मैं भिकी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा, तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा आओ फिर। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है, मंदिर ही जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप पंधे हैं? हूँ, क्या कर लेगा पे? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के, हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है ठीक है, आप बैठ। थैंक यू। अबे संभाल के। क्या हुआ? टेबल है ना। आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? Oh, can't see? I can see. I can वो घड़ी दिख रही है? हाँ, दिख रही है। वो नहीं, ये। अच्छा ये। मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। ग्यारह बजे। मुझे नहीं मालूम कि कितना बजा है। मुझे दिखाई दे रहा है। अब विश्वास हुआ कि मैं अंधा हूँ? नहीं नहीं मारिए मत सर, सर मारिए मत सर। मेरी बात सुनो। क्या काम था? एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा कौन? पूजा पूजा अर्चना। के अर्चना तय कर ले पहले। लड़की कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो चुआगा तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है। उसके बाद वक्तृत्व स्पर्धा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है? कौन है? लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओ, नमस्ते माँ जी, आप भी अंधे हैं? आप भी अंधे हैं? मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ? नहीं, मुझे लगा वो व्हाइट खेल रहे हैं। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना? मैं निकलता हूँ। पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही हैं तो प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म
मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी कमीने जा सबके लिए चाय बना रसोई घर वहां पे मुझे चाय बनाने नहीं आती तो बैठा क्यों है ठीक है मैं निकलता हूँ वहां क्या भीख मांगने जा रहा है बाहर जाने का रास्ता वहां है अबे कार्ड तो देखे जा ये लीजिए तू ये ले नहीं, नहीं। ये बुक मुझे पढ़ने नहीं आती है देख ना बहुत मारते हैं आप लोग जय मदर मेरी हेलो जी मैं समीर बोल रहा हूँ अमेरिका से आप कौन बोल रहे हैं कौन बोल रहा है भाई मैं पांडू देखिए मिस्टर पांडू मिस्टर आंडू आप जो भी हो मेरे ग्रैंडफादर से कह दीजिएगा कि मैं आज अमेरिका से लौट रहा हूँ रात को 1:30 बजे मेरी फ्लाइट लैंड करेगी एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है मैं खुद आ जाऊंगा थैंक यू क्या हुआ गोपाल क्या हुआ समीर आ रहा है अरे सब वही तो बोल रहे यार देखा मैंने कहा था ना एक दिन इसकी जाल में फंस जाएंगे मैं तो जा रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग भी सामान बांधो और निकलो यहाँ से अरे ऐसे कैसे चले जाएं यार ऐसा घर भी तो मिलना चाहिए ना जा तो बूढ़े हो दोनों अंधे हो दोनों का आगे पीछे कोई नहीं हो ऐसा घर मिलने को टाइम लगता है यार यार तुझे घर की पड़ी है या पुलिस का चक्कर हो सकता है ए ओ, नहीं मैं किसी की नहीं सुनने वाला मैं जा रहा हूं अरे चुप करो यार तुम लोग सोचने तो दो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा संदूक यार इसमें जरूर माल होगा हाँ यार फिल्मों में दिखाते हैं ना संदूक खोला और उसके अंदर हीरे जवाहरात सोना अशर्फियां क्या तुम्हारा इसे भी चोरी करने का इरादा है क्या हाँ नहीं देख गोपाल नहीं है गोपाल देख नहीं गोपाल क्या कर रहा है तू अरे माधव समझा इसको गोपाल देख नहीं नहीं अरे पागल हो गया तुम लोग जिस घर में तुम्हें इतना प्यार मिला जिस घर का तुम लोगों ने खाया पिया उसी में छेद करोगे मैं छेद थाली में होता है यार घर में थोड़ी होता है तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ मुझे लगता है तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए अरे यार चोरी थोड़ी कर रहे हैं चेक कर रहे हैं अगर कुछ मिल गया तो लोन लेके लौटा देंगे देख गोपाल ये पाप है हाँ देखिए दरवाजा भी नहीं खुल रहा है देख भगवान भी ना बोल रहा है गोपाल बात मान ले मेरी गोपाल नहीं अच्छा उस तरफ से खुलता है देखो मैं अब भी बोल रहा हूँ ये गलत है अबे यही सही है इसमें अगर माल होगा ना मैं पिक्चर बनाऊंगा और तुम सबको लूंगा उसमें चल यार खुलने तो दे रुक जाओ बेटे इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी हम लोग तो मैं तो यूं ही देख रहा था कि मैं बताता हूं इसमें क्या है ये तेरा कंपास बॉक्स तू 6 साल का था तब तूने जिद की थी और ये देख गन दिवाली के लिए पूरे घर में से धाए धाए करके घूमता रहता था तू पर ये तेरी गाड़ी इसे लेकर पूरे आंगन में घूमता रहता था दिन भर खेलता रहता था इसे ये क्या दादाजी अस्थियां किसकी समीर मेरा पोता अमेरिका में पैदा हुआ था हम उसे मिलने के लिए तरस रहे थे
लेकिन 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में हमारी आंखें चली गई। तो मैंने हिम्मत करके मेरे बेटे को हमारे एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया। उसे रहा ना गया और वो मेरी बहू और पोते के साथ यहाँ आने के लिए निकल पड़ा। वो गाड़ी से एयरपोर्ट आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं बचा। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, कोई नहीं। ये बात मैं मंगला को नहीं बता सकता था, वरना वो मर जाती। ये सदमा सिर्फ मुझे ही बर्दाश्त करना था। मेरे एक कमिश्नर दोस्त ने अमेरिका जाने का मेरा अलग से इंतजाम कर दिया, पर वहां जाकर मैंने अपने इन्हीं हाथों से मेरे पूरे वंश का अंतिम संस्कार। मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मंगला ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि कैसा है हमारा पोता, कितना बड़ा हो गया, बात करता है कि नहीं करता, और आपने मेरे बारे में बताया कि नहीं, क्या बताता, क्या कहता। सच बताने की हिम्मत नहीं थी मुझे। हर रोज सोचता था कि आज बताऊंगा, आज बताऊंगा। फिर जिस दिन मैंने तय किया, भगवान ने तुम्हें समीर बना के भेज दिया। लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि तुम एक नहीं, 2 हो। और धीरे धीरे समझ में आया कि 2 नहीं, 4 है। और मुझे तुम्हारी इस झूठ से कोई एतराज नहीं था सच, क्योंकि मंगला बहुत खुश थी, बहुत खुश। लेकिन अभी अगर आप चले गए तो पता नहीं उस पर क्या बीतेगी, टूट जाएगी बेचारी, सच कहता हूं। टूटने के लिए अब बचा ही क्या है, आओ, इतना बड़ा धोखा, ये लोग जो भी है, ये लोग, इनसे मैं नाराज नहीं हूं क्योंकि ये पराए थे, लेकिन आप, आपने मेरे बच्चों का अंतिम संस्कार भी नसीब होने नहीं दिया। मैं चाहती थी समीर को आखिरी बारी सही अपने कलेजे से लगाती, अपने गोदी में लिटाती। तुम लोग कौन हो, तुम लोग किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया तुम लोगों को एक बुड्ढा बुड्ढी के जज्बातों के साथ खेलने का। हाँ, बहुत बड़ा पाप किया है तुम लोगों ने, इतना बड़ा पाप जिसकी सजा इस दुनिया में नहीं। ये सब मेरा किया करा है, इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं, सिर्फ मैं हूं। ये मेरी गलती समझो या नादानी कि मैं यहां आया, लेकिन इससे बड़ी गलती तो यह है कि जो प्यार परिवार मैं जिंदगी पर ढूंढता रहा, जब वो मुझे आप लोगों से मिला तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, और आप लोगों का दिल दुखा दिया। आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। I love this बुड्ढा, बहुत हेल्प किया चश्मा लगा के अंकल ने अपुन का। अब
कलश दे दो वरना एक एक को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। कलश क्यों? कैसा? एक मौका दीजिए प्राश्चित का, भरोसा कीजिए हम पे। लक्ष्मण दादाजी आइए, आइए दादी जी आइए, इस तरफ दादी जी आइए आइए। ये अच्छा किया, अंकल को अंदर भेज दिया। क्या चाहिए? कलश, कलश ये। हाँ। लो। बॉस, ये वही चारों जन हैं जिन्होंने मुझे 3 बार मारा था। इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। हाँ? नहीं नहीं, ये कहीं और से तो पिट के नहीं आ गया? नहीं, आपकी कसम बबली भाई। बबली कौन? ये इमेजिन शोले में गब्बर सिंह का नाम स्वीटी। फायर डन, फायर। मैंने सब सुन लिया है, समीर की अस्थियों की कसम, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। पार्टी बदल लिया साला। फायर! गोली लाना भूल गए? हाँ? गोली लाना भूल गए? अबे गोली घर पे है तो इससे क्या हॉकी खेलोगे? मारो जाके! अबे देख क्या रहे हो, ऊपर जाओ। स्विच ऑन करो। लड़ क्यों रहे? अस्थियों में तो आपको इंटरेस्ट है नहीं, मटका चाहिए क्या? क्यों? देख तेरे मेरे बीच की बात है। आइए सर। एक्सक्यूज मी सर, यू कैन नॉट गो फ्रॉम हियर। हीरे, हीरे, हीरे! प्राश्चित ऊपर बॉयज। ये क्या किया? मांगा तो दिया। बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत दौड़ा है तूने। अरे क्यों मेरा कैरियर बर्बाद करने में तुला है भाई?
कोई पूछता नहीं मेरी गैरेज को, बीवी ने मायके से आने से मना कर दिया। भाई प्लीज मेरा पैसा वापस कर दे प्लीज। आई एम वेरी सॉरी यार, मैं पता है कड़कती धूप में नंगे पांव तुम्हारे पैसे लेके आया था तुम्हें देने के लिए, और पता है क्या हुआ? क्या? इसने चोरी कर लिए। अच्छा ओए, बच्चे के पैसे वापस कर सीधी तरह से। मैंने कब पैसे दिए, मैं तो नहीं मिला। नौटंकी नहीं, पैसा वापस कर बच्चे का। अबे तू कौन है लैंडलॉर्ड, बता इसको। देखिए ये मिस्टर वसूली है और ये मिस्टर बबली। बबली बबली अगले साल इनसे राखी बनवाएंगे। बबली क्या हुआ उसको भी? इट्स रियली डीप मैन। क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। आइए कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, मैं जानता हूं इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने जो कुछ किया है उससे देखते हुए ये चारों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या? हाँ, तुम चार आज से इस अंधे माँ बाप के श्रवण बन के रहोगे। और नदीम भी। नदीम भी। काई काई? तुम्हें तुम लोगों का इनाम 15 दिनों में मिल जाएगा। इनाम? किस लिए इनाम? इनाम इसलिए कि तुमने एक खतरनाक गैंगस्टर और हीरे दोनों को पकड़वाया है, इसलिए उसका 10% तुम्हें जरूर मिलेगा। कमाल है, मेरे पैसे। अच्छा, अमीर आदमी देखा हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। गेट आउट। नमस्ते दादी जी। नमस्ते दादाजी। अस्पताल में भी आचार लेने आ गई। दादाजी आप भी ना। अगर ये बता, इन चारों बदमाशों में से तूने किस बदमाश को चुना है? अरे मैं यहाँ हूँ, कहाँ जा रही? I don't mind. लकी को। लकी डॉक्टर। अरे लेकिन ये तो बोल नहीं सकता है। या ओ नहीं, मुझे पता है कि ये बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा ही पति चाहिए था जो सिर्फ मेरी सुने और खुद चुप रहे। एक्सक्यूज मी आपकी कोई बहन वहन है? हाँ है ना, लेकिन सिर्फ 7 साल की। क्यों? बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत वेट करना पड़ेगा। Golmaal, 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 golm
था।